हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग का सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आईटीआई का रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे और रैंक कार्ड कैसा होता है वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, कोई जानकारी नहीं मिलेगा आपको, हर चीज़ इस वीडियो में हम बताते चलते हैं। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा अपडेट, तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होता है तो सबसे पहले आईटीआई का रैंक कार्ड जब जारी किया जाएगा तो वहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, bscbbihar.gov.in करके एक लिंक आ जाएगा डाउनलोड में, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। ये 2020 का आईटीआई डाउनलोड किया हुआ है किसी का, उसी के आधार पर आपका हम बताते हैं कैसा होगा रैंक कार्ड। ठीक है, और सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ इंटर योर आईटीआई का रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 2020 का रोल नंबर और रोल कोड बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर रोल कोड लेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है जन्मतिथि डाल देना है और रोल नंबर डाल देना है 2 फरवरी 2000 जिसका जो है वो सब क्लिक कर देना है। ये सब क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे लिखा है शो रैंक, आपको शो रैंक पे क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही शो रैंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा इंटरफेस आ जाएगा बिहार आईटीआई का, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या करना होगा। ठीक है, जब शो रैंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आपका रैंक कार्ड ओपन हो जाएगा। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 आईटीआई कैट रैंक कार्ड ऑफ आईटीआई कैट 2023, सेम ऐसा ही रैंक कार्ड आपका बन के आएगा। आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, जन नाम लिखा रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट लिखा रहेगा। ठीक है, ये सब डिटेल आपका लिखा रहेगा रैंक कार्ड में। मेल 2002 यानी कि जन्मतिथि भी लिखा रहेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है वो भी आपको लिखा रहेगा। ये देखिए सब चीज़ इसमें डिटेल्स दिया रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, हम हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये सब आपको लिखने के बाद पूरी जानकारी इसमें दिया रहेगा, आपका कितना रैंक पे सिलेक्शन आएगा वो भी हम आपको बताते हैं रैंक कार्ड को ओपन करके। चाहे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद हम अपडेट देते रहेंगे। तो जैसे ही आपको रैंक वाले पेज पर आइएगा तो आपका यहाँ पर सब चीज़ शो करेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक, यानी कि आप अपने ज़िला अनुसार आपका रैंक इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका अगर एससी कास्ट में अपना पर्सनल कास्ट से तो हमें अगर एससी में 17 नंबर मेरा डिस्ट्रिक्ट का कोड हो गया। ठीक है, और ज़िला में मतलब कास्ट मेरा 64 है एससी में, तो मेरा 64 नंबर रैंक आया हुआ है हमारे कास्ट में। और यूवर का बात करेंगे तो 449 है, यानी कि इसका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पक्का आएगा 100%, क्योंकि 64 या 100 के अंदर आपका नाम आ जाता है तो 100% आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हम पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे आईटीआई रैंक से रिलेटेड। कोई भी जानकारी हो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपका रैंक अपना भेजिए, हम आपको बता देंगे। रैंक कार्ड आते ही हर एक अपडेट हम देते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को, उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करो। ठीक है, बस आज के लिए इतना है।